और ये संघर्ष अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे, तो कम से कम जिस व्यक्ति के आह्वान पर आए हैं तो उनकी बात तो मानो। अगर उन्होंने कहा बैठ जाइए तो कम से कम बैठ जाना चाहिए। सब लोग बैठ जाए, मर्यादा बनाए रखिए। धन्यवाद मदन लाल जी एवं सभी मंच के हमारे पदाधिकारीगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण। मैं बैठिए, आप सब लोग बैठिए। अगर आप सब लोग पीड़ित हैं तो बैठिए, आयोजकों की बात सुनिए ना, समझ में नहीं आ रहा, बैठो ना। अगर आप नहीं बैठेंगे तो पीछे वाले को क्या दिखेगा, और दिखेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। सब लोग पीड़ित हैं, अभी बैठिए, सब लोग बैठिए और शांति से सुनिए। हमारे पास पूरा दिन है आज। धन्यवाद बहन जी का, जिन्होंने हमारी बात का और मदन लाल भैया की बात का समर्थन किया। मैं 2016 आज का वो दिन मुझको याद आ रहा है। बस जगह थोड़ी चेंज हो गई है, वो जगह रोड उस पार थी और आज इस पार है। बरसात उस दिन भी हो रही थी, 11 दिन का धरना और प्रदर्शन था, और वो 11 दिन भी ऐसे ही हम लोगों ने प्रतिदिन बरसात को हम लोगों ने सहन किया था, क्योंकि मजबूर थे और पीड़ित थे। आज जरा से पानी में आप लोगों को घबराना नहीं है। हम लोगों ने तो सरकार का जो सरकारी पानी है वो मैंने सहन किया है, फुहारा। आज मदन लाल जी का मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ आप सभी साथियों की तरफ से, जिन्होंने सभी को एक किया। पर हम, मेरी एक ये इच्छा है कि जितने भी यहाँ पे कंपनी के संगठन आए हैं, ये जिले के हो, प्रदेश के हो, वो कम से कम मदन लाल जी को अपना नाम, मोबाइल नंबर, किस कंपनी से है और संगठन अगर कोई है तो उस संगठन का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये जो संख्या बल है, ये संख्या बल से अब कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मनोबल हम गिराना नहीं चाहते, हम मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। पर सच्चाई को बोलना चाहिए, पीड़ित सब है, सब चाहते हैं पैसा, केवल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और मोबाइल पर जमीन पर नहीं। एक बीमारी का नाम सुना है, लगभग सब लोगों के होती है, बवासीर। बवासीर सबको होती है पर बताता नहीं है। आज हमारे सत्ता पक्ष के नेता हो या उनके भक्त या विपक्ष के या उनके चमचे, सबको, सभी पीड़ित कंपनियों के जुड़े लोग हैं, पर वो अपने नेताओं से, बड़े नेताओं से हमारी अपनी बात नहीं रख पाते। सबका पैसा जमा है पर पीड़ा इस बात की होती है कि जिसको हमने 2014 में पूर्व बहुमत से सरकार बनवाई, आज उन्होंने सीने पे लाई, पीठ में हम लोगों के छुरा भोंका। पीड़ित घरों में कई कई घटनाएं हमारे हो चुकी, जो मेरे पिताजी थे जिन्होंने हमें जोड़ा, आज वो ऊपर चले गए, पर उनके कलंक को हम मिटाना चाहते हैं और एक एक पैसा पिलाना चाहते हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, ये विकास की पार्टी लोग धूप बरसात में सदा उस संगठन